शामली में भीम आर्मी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर दलित समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। डीएम को ज्ञापन सौंपकर पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी और दलित महिला की हत्या मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं की माने तो साल 2016 में नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण के साथ पूर्व चेयरमैन ने अभद्रता की थी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। आरोप है कि हाईकोर्ट से पूर्व चेयरमैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। इसके अलावा गांव कबड़ौत में दलित महिला की हत्या पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। मांग पूरी न होने पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे लोगों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन आंख बंद करे बैठा है, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं दे रहा है। 7/4/2016 की घटना है, जो एक अनुजाति महिला है, अधिकारी साची अरुण कुमार जी, उनके साथ में एक चेयरमैन के द्वारा गाली गलौज शब्द घटना हो जाती है। उसके बाद में हाई कोर्ट के द्वारा उनको गिरफ्तारी का आदेश आता है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ के जिला शामली का उनको गिरफ्तार करना नहीं चाहता है और उनको फरार कर देता है। उसके बाद एक महिला के साथ में गला दबाकर हत्या कर दी जाती है ग्राम काबड़ोत में, उसको मार जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ पे दोषियों को बचाने का काम करता है। और पुलिस प्रशासन ये कहता है, आज के टाइम में जिला शामली का पुलिस प्रशासन, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, सब कुछ अपना आप बना बैठा है। पुलिस का प्रशासन का यह कहना है कि महिला के साथ में दो लोगों ने बलात्कार किया है और उसकी हत्या की है। जो दो लोग बाहर हैं वो निर्दोष है, हम लोग उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते जो निर्दोष है, ये पुलिस का कहना है। अगर पुलिस ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रहने का फायदा क्या होगा।